चलिए मंदिर मार्ग थाना है और मंदिर मार्ग थाने में जो है यहाँ अरेस्टिंग की गई है और आप देख सकते हैं कि बच्चियों को भी जो है घसीट घसीट कर दिल्ली पुलिस जो है वो यहाँ पर लाई है मंदिर मार्ग थाने में। और आप देख सकते हैं ये थाना है और इसमें जो है थाने के अंदर जो है वो सभी आंदोलनकारियों को जो पीड़ित है जो न्याय की मांग कर रहे थे SC ST आयोग में उनको सभी को अरेस्ट करके जो है वो थाने के अंदर जो है वहाँ रखा गया है। तो जी आप देख सकते हैं इसमें देखिए ये छोटी बच्ची को जो है ये घसीट कर जो है ले जा रहा है। देख लीजिए आप मेरे भाइयों ये जो न्याय मांगती है बेटी है पीड़ित परिवार की बेटी है इसके पिताजी को न्याय नहीं मिला ये न्याय मांग रही है। आप देख सकते हैं जबरन इन्हें ऐसा पीट पीट के ऐसे मार मार के इनके जबरन इनको बसों में भरा गया है। मेरे साथियों हिंद केसरी भारत केसरी भाई बिरजू पहलवान जी को भी साथ में ले गया है और मैं कहना चाहता हूँ क्या न्याय मांगना गुनाह है? अपने हुए अत्याचारों के लिए आवाज़ उठाना क्या गुनाह है? अगर साथियों ये गुनाह है तो ये गुनाह हिंदुस्तान का हर एक नागरिक करेगा, हर एक भाई करेगा, हर एक बेटी करेगी, हर एक बहन करेगी। मेरे साथियों इस बात का ध्यान रखें कि ये न्याय मांगने के लिए अगर हम ये गलत काम कर रहे हैं और ये धरना शांतिपूर्ण चल रहा था बिल्कुल, लेकिन अच्छा आप लोग क्या नारेबाजी कर रहे थे या कोई हुड़दंग कर रहे थे? हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे थे, हमारे पास एक ही वीडियो हमने लाइव चला रखी है, वहाँ पे कोई नारेबाजी नहीं थी, कुछ नहीं था। बस सिर्फ इनको जो इलेक्शन कमीशन जो है SC ST आयोग जो है इन्हों को अपने काम ना करना पड़े क्योंकि वो दबंग लोग हैं और दबंगों की पार्टी है ये पार्टी, आप समझ सकते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ आज वो सब साथी कहाँ हैं जो इतने इतने बड़े बड़े नारे करते हैं? ये हमारे वोटों से जो MP MLA काउंसलर विधायक जो बनते हैं आज एक भी बने? आज इस धरने को 5 दिन हो गए किसी ने खैर खबर नहीं ली और 5 महीने से ये सब परिवार दर बदर भटक रहा है। अगर यहाँ भी न्याय नहीं मिलेगा तो कहाँ न्याय मिलेगा? साथियों शेर सिंह वाल्मीकि की जो है बड़ी बेरहमी से पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी, पैरों में कीले गाड़े गए थे और हाथों के नाखून जो है वो पिलास से जो है वो निकाले गए थे और उसकी बड़ी बेदर्दी से जो है वो पिटाई की गई थी। उसी के न्याय के लिए जो है पीड़ित परिवार लगातार अस्थियां लेकर जो है SC ST आयोग में जो है गुहार लगा रहा है, लेकिन SC ST आयोग जो है बिल्कुल सुनने के लिए तैयार नहीं है, उन्हें गुमराह कर रहा है, मीठी गोलियां दे रहा है और इसलिए पीड़ित परिवार जो है आज 5वें दिन जो है पीड़ित परिवार को पुलिस ने घसीट घसीट कर गिरफ्तार कर लिया। आप समझ सकते हैं विभीषण भी जो है वो समाज में ही है, कोई ना कोई है जो उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं कि अंदर से जो है SC ST आयोग से जो है फोन चले जाते हैं और पुलिस जो है गिरफ्तार करने में आ जाती है क्योंकि शांतिपूर्ण तरीके से जो है ये अपने विचार रख रहे थे वहाँ पर। तो आगे का भी जायजा हम आपको दिखाएंगे।